हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं शटल का टाइमिंग कैसे करना। शटल का टाइमिंग करने के लिए हम आपको बताने वाले आइए मैं बोल सकते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम आपको परफेक्ट टाइमिंग का बारे में बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। जैसे आपको करने से पहले चलिए पहले ये देखिए 100 काटा ये हंडी। अब इस 100 काटा को हम ये 196 पे कर देंगे। 196 ये 196 पे हमने कर दिया। 196 पे काटा कर दिया। अब हमको करना क्या है आगे मैं इसको और करूँगा। अब हम इसको हेड को टाइमिंग मेरा ये टाका नहीं पकड़ता है इसी मेरा टाका नहीं पकड़ता है इसको प्लेट को खोल लेना है। प्लेट को खोल लेना और इसको खोलने के बाद इसको भी हम बोल्ट को खोल लेंगे। बोल्ट को खोल देंगे इसको। अब इसको हमें नीडल गिरा देने का। इसका ये बोबिन केस है, बोबिन केस निकाल देने का। बोबिन केस को जो नहीं निकल रहा है तो नीचे से निकाल देने का। ये बोबिन केस निकाल लेने का। ये बोबिन केस निकाल लिए। चलिए ऊपर मैं चलता हूँ आपको बताना। अब हमको करना क्या है इस निजल को गिरा देना। 196 इसको निजल को हम देखना है कितने पे है। 196 पे नहीं होगा तो नहीं गिरेगा। 196 पे नहीं है तो नहीं गिरेगा। तो कहने का मतलब से आउट था इसलिए नहीं गिरा। 196 हो गया। 196 हो गया तो अब देखिए ये गिरेगा। अब इसको हम या गिरा दिए देख रहे हैं ना ये 196 हो गया। अब इसको हम गिरा लिए तो आपको देखना है कि इसके अंदर मेरा हाथ में निडल टच कर रहा है कि अगर नहीं टच कर रहा तो इस बोल्ट को हम खोल लेंगे। इस बोल्ट को हम खोल लेंगे। ये बोल्ट लगा है ना इसको हम ऐसे कर खोल लिए। और ऊपर का जो है इसको हल्का हल्का नीचे फिर इसको टाइट कर लिए। यहाँ से हम चेक कर लेंगे मेरे हाथ में टच कर रहा है कि नहीं। जब मेरे हाथ में टच करेगा जान लो मेरा नीडल पॉइंट एकदम बराबर है। अब ये टाका एक भी नहीं छोड़ेगा वो टाका पकड़ लेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना।